अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को, और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक नाउन्स फ्राम एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। सो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हाउ टू मेक नाउन्स फ्राम एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। जिन एडजेक्टिव्स या वर्ब्स के एंड में हम प्रीफिक्सेस या सफिक्स ऐड करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना हमारे साथ नाउन बन जाता है। जैसा कि हमारे साथ हैं हैप्पी एंड रेडी, ये दो वर्ड्स हैं। देखिए, ये हैप्पी हो गया हैप्पी। अब इसके एंड में जब हम सफिक्स ऐड करते हैं नेस, तो इससे बन जाता है हैप्पीनेस, जो कि नाउन है। देखिए ना, यहाँ पे हमने सफिक्स ऐड किया है नेस, ठीक है ना, तो ये हो गया नाउन। अब रेडी है, रेडी के एंड में तुम हम जब नेस को एंड कर ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है नाउन। अब आते हैं हम पहले स्टेप की तरफ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम ITY को जब हम एज ए सफिक्स ऐड करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब में, तो किस तरह जो है ना नाउन बनता है। ये जो ITY है, ये मोस्टली हम ऐड करते हैं एडजेक्टिव में, ठीक है ना, लेकिन तमाम एडजेक्टिव में ये यूज़ नहीं करते, बल्कि वो एडजेक्टिव जो एंड होते हो BLE के साथ या सॉफ्ट एस साउंड के साथ, तो वहाँ पे हम जो है ना क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर ऐसे BLE के साथ कोई एडजेक्टिव एंड होता हो या सॉफ्ट साउंड एस के साथ कोई एडजेक्टिव एंड होता हो, तो वहाँ पे हम जो है ना ITY को रिप्लेस करके नाउन बनाते हैं। अब आते हैं एग्जांपल की बात करते हैं कि किस तरह जो है ना हम BLE की जगह ITY को रिप्लेस करके नाउन बनाते हैं, और सॉफ्ट साउंड एस के साथ हम जो है ना ITY को रिप्लेस करके नाउन बना सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि किस तरह जो है ना हम रिप्लेस करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे BLE है, तो देखिए हमने कहा कि इसको हम जो है ना क्या करते हैं ITY के साथ रिप्लेस करके नाउन बनाते हैं। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो देखिए हमने कहा था कि साफ साउंड इसके साथ अगर कोई वो एन होता है वर्ड, तो वहाँ पे भी हम क्या लगा करते हैं ITY के साथ इसको रिप्लेस करते, तो ये हो जाएगा हिलैरिटी। ये हिलैरिटी हो जाएगा। देखिए, हमने ITY के साथ इसको साफ साउंड इसको रिप्लेस किया। अब देखिए प्रोबेबल की बात करते हैं, ये भी एन हो रहा है BLE के साथ, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। इस तरह देखिए, ये सब जो है ना हमने ITY के साथ रिप्लेस किए, और ये सब क्या बन गए, नाउन। ये सारे नाउन क्या। अब बात करते हैं स्टेप टू की तरफ, जहाँ पे हम एन में सफिक्स ANCE और ENC ऐड करके नाउन बना सकते हैं एडजेक्टिव प्लस वर्ब से, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर किसी एडजेक्टिव के एंड में ENT या ANT आ जाए, ENT या ANT ऐड करके, ENT अगर किसी एडजेक्टिव के एंड में हो आ जाए, तो वहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं ANC या ENC के साथ। अगर कोई एडजेक्टिव हो तो वो जो ठीक के साथ एंड हो रहा हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया या इम्पोर्टेंट हो गया, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं किस चीज़ के साथ, ठीक हो, जब कोई वर्ड एडजेक्टिव ठीक के साथ एंड हो रहा हो, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं CE के साथ, ठीक है ना।
अब बात करते हैं एग्जांपल की। अच्छा, हमने अब एग्जांपल उठाए हैं इंडिपेंडेंट इम्पोर्टेंट साइलेंट। अब हमने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर किसी एडजेक्टिव या वर्ब के एंड में आ जाए ENT तो उसको हम रिप्लेस करते हैं ANCE या ENCE। अब इंडिपेंडेंट है तो उसको देखिए यहाँ पे ENT आया है, तो अब इसको हम रिप्लेस करेंगे ENCE के साथ। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंस और ये हो जाए वर्ब बन जाएगा इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, ये हो जाएगा नाउन। अब आते हैं इम्पोर्टेंट की तरफ। अब देखिए ना, यहाँ हमने कहा था कि अगर कोई एडजेक्टिव या वर्ब वो एंड हो जाए ANT के साथ तो वो भी हम उसको रिप्लेस करते हैं ANCE या ENCE के साथ। तो अब देखिए ANT है तो इसको हम रिप्लेस करते हैं ANCE के साथ। अब ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस, क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस, और ये हो जाएगा नाउन, ठीक है ना, और ये नाउन बन जाएगा, समझ गए। ये देखिए हमने रिप्लेस कर दिया, ये इसको हमने ENCE के साथ रिप्लेस किया है। और साइलेंट को देखिए, ये ENT के साथ एंड हुआ है और ये जो है ना हो जाएगा, रिप्लेस करेंगे इसको साइलेंस, ये हो जाएगा साइलेंस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा नाउन। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसा कि रिजिस्ट है तो ये हो जाएगा रिजिस्टेंस, ठीक है ना, अपीयर है तो ये हो जाएगा अपीयरेंस। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब बात करते हैं जब हम ऐड करते हैं मेन को एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव और वर्ब के एंड में जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे बन जाता है नाउन। ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं वर्ब के केस में, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे एडजेक्टिव जो एंड होते हों वाई के साथ, सॉफ्ट साउंड या सॉफ्ट एंड कह सकते हैं, वाई के साथ एंड होते हों तो वह भी हम उसको रिप्लेस करते हैं मेन के साथ और वो बन जाता है क्या, नाउन। अब देखिए मेन को हम रिप्लेस सफिक्स मेन को हम एडजेक्टिव को एंड में लगाते हैं, ठीक है ना, और वो बन जाता है नाउन। अगर कोई एडजेक्टिव हो जो एंड होता हो वाई के साथ तो वह भी हम मेन को। अब बात करते हैं एग्जांपल की कि किस तरह जो है ना हम बनाते हैं नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब से। सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंट की। अपॉइंट क्या है, ये वर्ब है, ठीक है ना, हमने कहा था कि मतलब ये केस जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं वर्ब में, लेकिन बस ऐसे एडजेक्टिव जो एंड होते हैं वाई के साथ तो वहाँ पर भी हम यह यूज़ कर सकते हैं। अब ये अपॉइंट है तो ये हो जाएगा, इसके साथ जब हम ऐड करते हैं इसको मेंट के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा अपॉइंटमेंट, क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट, और ये हो जाएगा अपॉइंट, और ये हो जाएगा नाउन। अब देखिए रिप्लेस, रिप्लेस भी वर्ब है, ठीक है ना, अब इसको जब हम रिप्लेस करते हैं मेंट के साथ तो ये हो जाएगा रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा नाउन, फिर नाउन बन जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब हमने कहा था कि मतलब कोई वाई आ जाए एंड में तो वो उसको भी हम मैन के साथ रिप्लेस करके नाउन बना सकते, तो ये हो जाएगा मेरीमेंट, मेरीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये नाउन बन जाएगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, मसलन एंजॉय होगा तो वो एंजॉयमेंट बन जाएगा, एसाइन हो गया तो वो एसाइनमेंट बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह हम नाउन बना सकते हैं वर्ब से और एडजेक्टिव से। अब आगे चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक और ऑप्शन की जहाँ पे शन और रन की बात करते हैं। अच्छा, हमने कहा कि हम शन और रन की बात करते हैं अब स्टेप 4 में, जब हम सफिक्सेस ये एंड में लगाते हैं
वर्ब के एंड में हम जब इसको लगाते हैं तो उसे नाउन बन जाता है। ये केस मोस्टली हम यूज़ करते हैं उसके लिए, वर्ब के केस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मोस्टली। और ये हम इसके लिए हमारे कोई फार्मूला नहीं कि किस कहाँ पे जो है ना किस वर्ब के एंड में जब हम ये लगाएंगे तो नाउन बनेगा, ये हमने इंडिविजुअली जो है ना सीखना होगा, ठीक है ना। हमने प्रैक्टिस करनी होगी इस पर कि जब हम शन को किस वर्ड के पीछे लगाएं तो वो जो है ना हमारे साथ बन जाएगा नाउन, ठीक है ना। ये हमने इंडिविजुअली प्रैक्टिस करनी होगी, हर वर्ड को समझना होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये जो है ना नाउन है और ये एडजेक्टिव है या वर्ब है, ठीक है ना। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमारे साथ है इन्फॉर्म और डिसाइड एंड एडमिट, ठीक है ना। हमने कहा था कि जब इस में हम सफिक्स लगाएंगे शन और जन को तो ये हमारे साथ नाउन बन जाता है। अब इन्फॉर्म से हम नाउन किस तरह बनाते हैं, अगर हम इसके पीछे शन को लगाते हैं तो ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो ये बना देगा नाउन। अगर हम अब देखें ये हो जाएगा नाउन। अब ये है डिसाइड, अगर इसके पीछे हम लगाएंगे शन को तो ये हो जाएगा डिसीजन और ये भी नाउन बन जाता है। अब देखें लास्ट एग्जांपल की तरफ, एडमिट। एडमिट की अगर इसमें हम शन को ऐड करते हैं या रन को तो ये हो जाएगा एडमिशन और ये भी नाउन बन जाता है। इसके अलावा और जो एग्जांपल है वो है मल्टीप्लाई, तो वो बन जाता है मल्टीप्लिकेशन, शन को ऐड करके नाउन बन जाता है। इसके अलावा डिस्क्राइब है, अगर उसके पीछे हम शन को ऐड करते हैं तो वो भी नाउन बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम नाउन से नाउन किस तरह बनाते हैं, मतलब एक नाउन है जैसे फ्रेंड, तो इससे हम दूसरा नाउन किस तरह बना सकते हैं। सो हम बात करते हैं, अगर किसी नाउन के साथ हम शिप को लगाते हैं तो उससे नाउन बनता है, या हुड को लगाते हैं तो उससे भी नाउन बनता है। अच्छा, अब जब हम शिप को जो है ना ऐड करते हैं किसी नाउन के साथ तो उससे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है, ठीक है ना। मतलब शिप को हमने ऐड किया फ्रेंड के साथ, जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, शिप को ऐड करते हैं तो ये फ्रेंडशिप बन जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन देता है, ठीक है ना। क्या देता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इससे बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छा, जब हम हुड को जो है ना क्या करते हैं ऐड करते हैं किसी नाउन के साथ तो ये क्या करता है, ये शो करता है ग्रुपिंग को, ग्रुपिंग ऑफ पीपल, ग्रुपिंग एरिया को जो है ना ये क्या करता है, शो करता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल में है फ्रेंड हो गया, फ्रेंड हो गया, पार्टनर हैं, प्रीस्ट हैं और चाइल्ड हैं, ठीक है ना। अब फ्रेंड के साथ जब हम शिप को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पार्टनर के साथ जब हम शिप को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा पार्टनरशिप। जब हम ये शिप को ऐड करते हैं तो ये रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप इटसेल्फ भी एक एग्जांपल है नाउन फ्रॉम अनदर नाउन, मतलब रिलेशन, रिलेशन के साथ हमने जो है ना शिप को ऐड किया तो ये क्या है, और रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है ना। प्रीस्ट के साथ जब हम हुड को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा प्रीस्ट हुड। प्रीस्ट क्या है, प्रीस्ट चर्च में जो है ना जो काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रीस्ट। अब ये जो है ना हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा प्रीस्टहुड, और प्रीस्टहुड जो है ना ग्रुप ऑफ प्रीस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हो गया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक है ना। इसके अलावा नाइबर है, तो नाइबर के साथ जब हम हुड को ऐड करते हैं हो जाएगा नाइबरहुड, समझ गए। अब यहाँ पे होता है हमारे टॉपिक का अहतमाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच वर्क को।
अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।